क्या देश में दो तरह का कानून चलेगा? निर्भय हत्याकांड के दोषियों को फांसी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह व पुलिस कर्मियों व आम लोगों को बम से उड़ाने वाले की मेहमानबाजी। हम आपको भारत के गृह मंत्री होने के नाते पंजाब के रहने वाले लोगों की भावनाओं से अवगत करवाना चाहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 7 साल पहले एक लड़की निर्भय, जिसका 4 नाबालिग हिंदू लड़कों ने रेप कर उसकी क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी थी, उसको माननीय कोर्ट दोबारा फांसी की सजा का हुक्म दे उसका डेथ वारंट भी जारी कर 22 जनवरी को उनको फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसकी यहां सारा देश सराहना कर रहा है। वही शिवसेना पंजाब भी इस फैसले का तहदिल से स्वागत करती है, परंतु दूसरी तरफ पंजाब में रहने वाले हिंद समाज के लोग आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर मन ही मन यह सोच रहे हैं, क्या भारत में दो तरह के कानून लागू हो रहे हैं? क्या देश का कानून धर्म आधारित कार्य करेगा? क्या यह चारों लड़के सिख होते तो क्या इनको फांसी न होती? हिंदू समाज में यह विचार पनपने का कारण। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई, उनको मुख्यमंत्री रहते पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले बलबंत सिंह राजवाना व उनके साथी आतंकवादियों दोबारा चंडीगढ़ सचिवालय के सामने बम से उड़ा दिया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के साथ 16 पुलिसकर्मी व आम आदमियों की हत्या की गई। आज शिवसेना पंजाब ने लुधियाना डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र भी दिया गया। आप देख रहे है क्राइम ट्रैकर सीटी न्यूज़ लुधियाना से राजीव कुमार के साथ सुशील कुमार संधू की रिपोर्ट। साडा एक एक विषय जी, क्या देश में दो तरह के कानून चलेंगे? निर्भय हत्याकांड के दोषियों को फांसी पर पंजाब के मुख्यमंत्री ते और पुलिस कर्मी जिहड़े कातल है राजू वाले नु अजे तक फांसी दे रहे लगाए गए, उस मसले दे लै के ही आपां रहते हैं। अज शिवसेना पंजाब वालों भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम का एक ज्ञापन लुधियाना डिप्टी कमिश्नर को दिता गया है, जिसे एक सवाल एक पैदा करता है पंजाब के लोगों का। एक सवाल लैके आए हैं अत्तवाद पीड़ितों का, सवाल लैके आए हैं पंजाब के लोगों का, सवाल लैके आए हैं जिन्होंने पंजाब अत्तवाद झेलिया भी क्या भारत के दो तरह के कानून चलणगे? निर्भय हत्याकांड जिन्हें दोषी उन्होंने 7 साल के फांसी की सज़ा सुना दी गई है, उन्होंने डेथ वारंट भी जारी कर दिए गए हैं, 22 जनवरी उन्होंने फांसी दी जा रही है। दूजे पास 31 अगस्त 1995 साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने पंजाब अत्तवाद का खात्मा करने बड़ा अहम रोल अदा किया, उन्होंने बंब के नाल उड़ा के हत्या कर दी गई, नाल उन्होंने 16 व्यक्ति होर मारे गए। उन्होंने मुख्य दोषी बलवंत सिंह राजू आणे अजे तक जेल के बिठा के रखा है, जबकि 2007 दे विच माननीय सुप्रीम कोर्ट वालों उन्हों फांसी दे सज़ा दे हुक्म दे दिते गए ने। असी इको एक सवाल लैन आए हाँ भी क्या भारत सरकार इन्हां 4 दोषियों दे नाल इस बंदे नू आ बंदे कुत्ते बंदे नू राजू वाले नू फांसी देगी? साडा एक बड़ा वड्डा सवाल है जिहड़ा असी भारत सरकार को लैके आए हाँ, क्या देश दे विच दो तरह के कानून चलणगे? अगर चलणगे तां शिवसेना पंजाब दिल्ली दे विच गृह मंत्रालय दे घर दे बाहर धरना देगी।